हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आई हूँ औरंगाबाद के कैन नॉट प्लेस पे। औरंगाबाद का कैन नॉट प्लेस यानी बहुत सारे फूड्स की वैरायटी, बहुत सारे स्टॉल्स, चाय के अलग अलग दुकान, बहुत सारे मतलब यहाँ पे शॉप्स है। लेकिन मैं आज ट्राई करने वाली हूँ स्प्रिंग पोटैटो, जो कि बहुत ही वायरल और बहुत ही फेमस होते जा रहा है स्प्रिंग पोटैटो। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रोसेस बनाने की कैसी है और इसका टेस्ट कैसा है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी डिमांड पोटैटो की यहाँ चालू है, स्पेशली फ्राइज और स्प्रिंग पोटैटो के लिए ये स्टॉल है। सो आप देखते हैं इसके प्रोसेस किस तरह ये पोटैटो बनाया जाता है। तो इस मशीन के द्वारा पोटैटो एक ही बार में पोटैटो को स्टिक लगा के स्प्रिंग के जैसा किया जाता है, फिर उस पर कुछ मसाले स्पाइसेस डाल के उसे फ्राई किया जाता है। बहुत ही इजी और क्विक, जल्दी से जल्दी बनने वाली ये जो रेसिपी है, जिसे हर कोई एक बड़ी आसानी से बना सकता है। और आप ये जो देख रहे हो, जो ये स्प्रिंग पोटैटो बनाया जा रहा है एक पोटैटो का, इसकी प्राइस लगभग 20 रुपये से लेके 100 रुपीज तक है, यानी 20 से 100 रुपये तक इसकी प्राइस है। अलग अलग वैरायटीज है इसमें, मसाले के बस डिफरेंस है, सॉल्टेड है और तंदूरी है, मतलब बहुत सारी ऐसी वैरायटीज हैं, उसके हिसाब से ये प्राइस रखी गई है। सब्जी मार्केट जाओ तो पोटैटो की जो प्राइस है वो 30 रुपये किलो है, लेकिन ये पोटैटो पूरा फ्राइड करके एक ही पोटैटो की प्राइस देखिए आप 100 रुपये तक है। यानी एक बटाटा जो पोटैटो जिसे बोलते हैं, बहुत ही महंगा पड़ रहा है और लोग बड़े शौक से इसे ट्राई कर रहे हैं, खा रहे हैं। हम बहुत सोचते हैं कि बड़े बड़े पोटैटो लेने से पहले 1 किलो 30 रुपये हम भाव करते हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि एक पोटैटो की प्राइस यहाँ पे 20 रुपये 40 रुपये 70 रुपये 100 रुपये इस तरह से रखी हुई है। कहा 30 रुपये किलो और कहा ये एक पोटैटो पूरे हमें इस प्राइस में आ रहा है। लेकिन चलो, ये अभी ट्रेंडिंग, खाने वाले तो खाते रहते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला ये पोटैटो फ्राइज, इसका बिजनेस तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, क्योंकि सुबह से लेके रात तक ये बिजनेस चालू रहता है। बहुत ही शौक से लोग यहाँ खाने आते हैं, गर्दी भीड़ हो जाती है और लोगों ने इस फूड को बहुत ही अच्छे से पसंद दी है, उन्होंने सपोर्ट किया है। तो मेरे ख्याल से हमारे जो किसान भाई है, उन्होंने ये बिजनेस जो स्टार्ट किया तो उनकी बहुत ही अच्छे से कमाई हो सकती है, क्योंकि मार्केट में आप देख सकते हो कि ये सब्जी में कैसे भाव उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन उनके लिए ये बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है। लोग अच्छे से खाते हैं, ट्राई करते हैं, तो उन्होंने भी ये बिजनेस ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। सो, चलो देखते हैं, हमारे पोटैटो अभी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। सो, करते हैं ट्राई।